नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल देव क्रिकेट में। आईपीएल 2022 के मैच नंबर 21 के लिए घोषित हुई सनराइज हैदराबाद और गुजरात टाइटंस के खतरनाक प्लेइंग 11। सनराइज हैदराबाद की टीम में केएन विलियमसन ने किए बड़े बदलाव, तो वहीं गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 घोषित करी हार्दिक पांड्या ने। दोनों टीमों में से बनी ये टीमें सबसे खतरनाक। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या होने वाली है दोनों टीमों की प्लेइंग 11, किन बड़े बदलावों के साथ ये टीमें मैदान पर उतरने वाली है। साथ ही हम जानेंगे कि मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में खेले जाने वाले इस मुकाबले का आयोजन कब किया जाएगा, कितनी बजे खेला जाएगा, इस मुकाबले का लाइव प्रसारण कहां पर होने वाला है, इस मुकाबले में कौन कौन से खिलाड़ी कमाल कर सकते हैं, इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। तो दोस्तों, बने रहे इस वीडियो के अंत तक। और साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आईपीएल से जुड़ी हर एक लेटेस्ट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी फेवरेट टीम इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करे, तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। हमने इस वीडियो का लाइक टारगेट रखा है मात्र 100 लाइक, तो उम्मीद है दोस्तों आप जल्द इस लाइक टारगेट को पूरा करेंगे। तो दोस्तों, आईपीएल 2022 में गुजरात टाइटंस की ये नई टीम और सनराइज हैदराबाद की टीमें पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होने जा रही है। इस रोमांचक मुकाबले के लिए दोनों टीमों का परफॉर्मेंस काफ़ी शानदार होने वाला है। इस मुकाबले का आयोजन मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होने वाला है। इस मुकाबले की शुरुआत भारतीय समयानुसार शाम को 7:30 पर होने वाली है। साथ ही इस मुकाबले का लाइव प्रसारण आप मोबाइल में डिजनी प्लस हॉट स्टार और टेलीविजन में स्टार स्पोर्ट नेटवर्क पर देख पाएंगे। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर दोनों टीमों के अब तक के आईपीएल 2022 के परफॉर्मेंस की, तो हम सबसे पहले बात करें सनराइज हैदराबाद की टीम की। तो इस टीम ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से एक ही मुकाबला जीता है। इस टीम ने अपना अंतिम मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ खेला था और उस मुकाबले को जीत कर अब ये ऐतिहासिक जीत के बाद अब ये एक बार फिर गुजरात टाइटंस की टीम के सामने होने जा रही है। तो दोस्तों, हम बात करें यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम के उन प्लेयर्सों की जो कि इस मुकाबले में कमाल कर सकते हैं। तो इस टीम के बल्लेबाजों में अभिषेक शर्मा, केएन विलियमसन, राहुल त्रिपाठी, एडन मार्करम, निकोलस पुरन, शशांक सिंह जैसे शानदार बल्लेबाज इस टीम के पास मौजूद है। तो वहीं पर गेंदबाजी में इस टीम के पास भुवनेश्वर कुमार, मार्को जेनसन, उमरान मल्लिक और टी नटराजन जैसे आक्रामक गेंदबाज इस टीम के पास मौजूद है, जो टीम के लिए कमाल कर सकते हैं। वैसे इस टीम ने के पहले और दूसरे मुकाबले में इस टीम के बल्लेबाज जहां चलते थे वहां गेंदबाज नहीं चल पाए, लेकिन दूसरे मुकाबले में इस टीम की तरफ से शानदार परफॉर्मेंस किया था बल्लेबाजों ने। तो तीसरे मुकाबले में इस टीम के बल्लेबाजों और गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस करके दिखाया, जिसके चलते हुए इस टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को टीम को हराकर शानदार जीत दर्ज करी। वहीं गुजरात टाइटंस की टीम की हम बात करें, तो इस टीम ने अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से 3 ही मुकाबलों में इस टीम ने शानदार जीत दर्ज की और आईपीएल 2022 में अपनी शुरुआत काफ़ी शानदार तरीके से रखी है। इस टीम के उन प्लेयर्सों की बात करें जो कि अब तक कमाल करते आए, तो बल्लेबाजी में इस टीम के पास सुमन गिल, मैथ्यू वेड, साई सुधांशु, हार्दिक पांड्या, अभिषेक मनोहर, डेविड मिलर काफ़ी अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं। तो वहीं पर गेंदबाजी में दर्शन नालकंडे, लोकी फर्ग्यूसन, मोहम्मद शमी ने आक्रामक गेंदबाजी करके दिखाई है, जिसके चलते हुए अब तक ये टीमों अपने 3 मुकाबले जीतते आई हैं और अब भी एक बार फिर कमाल कर सकते हैं इस टीम के बल्लेबाज और गेंदबाज, जो कि सनराइज हैदराबाद की टीम के ऊपर दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। वहीं दोस्तों, अब हम बात करें इन दोनों टीमों के मध्य अब आईपीएल 2022 में होने वाले मुकाबले की, तो इस मुकाबले में दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होने वाली है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करें यहाँ पर सनराइज हैदराबाद की टीम की प्लेइंग 11 की, तो इस टीम की ओपनिंग करेंगे एक बार फिर अभिषेक शर्मा के साथ केएन विलियमसन। दोनों खिलाड़ियों ने पिछले मुकाबलों में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाया था, तो अभी उम्मीद करेंगे एक बार फिर ये शानदार ओपनिंग करेंगे। वहीं पर नंबर 3 पर हमें खेलते हुए दिखेंगे राहुल त्रिपाठी, तो नंबर 4 पर एडन मार्करम उतरेंगे, तो नंबर 5 पर निकोलस पुरन उतरेंगे, तो नंबर 6 पर शशांक सिंह इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, तो वहीं पर नंबर 7 पर वॉशिंगटन सुंदर हमें खेलते हुए दिखेंगे जो अब तक कमाल करते आए हैं, तो नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार उतरेंगे, तो वहीं पर नंबर 9 पर मार्को जेनसन उतरेंगे, तो नंबर 10 पर उमरान मल्लिक इस टीम की तरफ से खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 11 पर टी नटराजन हमें खेलते हुए दिखेंगे। वहीं दूसरी तरफ हम बात करें गुजरात टाइटंस की प्लेइंग 11 की, तो इस आईपीएल 2022 की नई टीम की ओपनिंग करेंगे सुमन गिल के साथ मैथ्यू वेड, जो अब तक टीम को शानदार शुरुआत देते आए हैं और अब उम्मीद करेंगे एक बार फिर ये अपनी आक्रामक बल्लेबाजी करते हुए टीम को शानदार शुरुआत देंगे। तो वहीं पर नंबर 3 पर साई सुधांशु उतरेंगे, तो नंबर 4 पर टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या उतरेंगे, जबकि नंबर 5 पर अभिनव मनोहर खेलते हुए दिखेंगे, तो नंबर 6 पर डेविड मिलर दिखेंगे, तो नंबर 7 पर राहुल तेवटिया हमें खेलते हुए दिखेंगे।
वहीं नंबर 8 पर हमें राशिद खान खेलते हुए दिखेंगे तो नंबर 9 पर दर्शन नलकंडे में खेलते हुए दिखेंगे। वहीं 10 पर लोकी फर्ग्यूसन उतरेंगे तो नंबर 11 पर इस टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी हमें खेलते हुए दिखेंगे। देखा जाए तो यहाँ पर दोनों टीमों के पास कई शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है, लेकिन गुजरात टाइटेंस की टीम के पास कई आक्रामक बल्लेबाज और गेंदबाज मौजूद है जो कि सनराइज़ हैदराबाद की टीम के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। वैसे यहाँ पर दोनों टीमों का हम कंपेरिजन करें तो सनराइज़ हैदराबाद की टीम के ऊपर गुजरात टाइटेंस के बल्लेबाज और गेंदबाज दिक्कतें खड़ी कर सकते हैं। ये टीम एक बार फिर इस मुकाबले में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा सकती है। तो दोस्तों, आपके हिसाब से कौन सी टीम इस मुकाबले को जीत सकती है, आप हमें अपने विचार कमेंट करके ज़रूर बताएं और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए।